कृष्णा जी, आज हम बनाने वाले हैं ततूरे से। ये जो ततूरा होता है शिव जी को हम चढ़ाते हैं, ये उसी का फल है। देखा होगा आपने कहीं भी पार्कों के बाहर सड़कों पे बहुत लगा होता है, तो अगर इसका हम तेल बनाए तो ये बहुत फायदेमंद होता है। सारे जोड़ों के दर्द को, कमर के दर्द को, घुटनों के दर्द को अगर हम 15-20 दिन रेगुलर लगा लें तो उस दर्द को ये काफ़ी हद तक मिटा देता है। बनाना बिल्कुल आसान है, बस हम इसकी ये पत्ती काट देंगे हरी सी और ये डंडी, क्योंकि ये फालतू का तेल पी जाएंगे नहीं तो। फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं हमें ये वीडियो कैसे बनाना है। चाकू की मदद से हम इसके पत्ते ये ऊपर ऊपर से हटा देंगे। ये जो इसका डंठल वाला हिस्सा है इसको हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ से ये लीक होने का डर रहेगा। सारी पत्ते और डंठल हमने इसके हटा दिए। ये चारों हमने तैयार कर लिए, अब इनको हम तेल में डाल के इसका तेल बनाए, जो कि बनाना बिल्कुल ही आसान है। ये मैंने जो मेहंदी लगाने वाला बर्तन होता है वो भी बर्तन लिया है। आज हम बनाएंगे इसमें धतूरे का तेल, जो कि बहुत ही गुणकारी है। कमर में, घुटनों में, कंधों में कहीं भी दर्द हो, रामबाण इलाज है। दर्द को ख़त्म ही कर देता है अगर हम 15-20 दिन लगातार इस तेल को लगा लें। ये मैंने 400 ग्राम तिल का तेल लिया है। आपके पास तिल का तेल ना हो तो आप सरसों का भी ले सकते हैं। मालिश के लिए, दर्द के लिए तिल का तेल ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको हम स्लो गैस पे रखेंगे, बिल्कुल स्लो गैस पे इसको चलाएंगे, धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। इसका गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक बड़ा चम्मच हमने इसमें मेथी डाल दी, मेथी दाना, और 4-5 कलियां मैंने ये लहसुन की भी डाल दी, बारीक बारीक सी लंबी सी काटनी है। अभी हमें स्लो गैस पे ही चलाते हुए 3 मिनट होनी है। लहसुन तो हमारी काफ़ी ब्राउन ब्राउन हो गई है, तो इनको अभी हम स्लो गैस पे चलाते रहेंगे जब तक कि ये काले नहीं पड़ जाए। धतूरा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दर्द निवारक है, लेकिन इसके अगर साथ मेथी और ये लहसुन हमने मिला दिया तो इसका गुण और बढ़ जाएगा। पर हमें एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये बर्तन और ये चम्मच हमें दोबारा किसी कुकिंग के काम में या किसी में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक जहरीला पदार्थ है। अभी हम इसको गैस पे रखेंगे और चलाते रहेंगे लगातार। 5 मिनट हो गए हमें इसको स्लो गैस पे ही चलाते हुए, और इसने अपना थोड़ा थोड़ा रंग बदलना शुरू कर दिया है। जब तक ये बिल्कुल ब्लैक नहीं हो जाता हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। तेज़ गैस हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये अंदर से गीला है और तेज़ गैस करेंगे तो एकदम से ये फट सकता है। तो हम इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो गए हैं हमें तेल बनाते हुए। अभी ये काफ़ी ब्राउन सा तो हो गया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ी सी देर और पका सकते हैं। थोड़ा तो बाद में भी गर्म तेल में पड़ा रहेगा तो ये और काला हो जाएगा। ये 15 मिनट का टाइम लगा हमें तेल में धतूरे के इन फूलों को चलाते हुए। अब हमने गैस बंद कर दिया है। ये तेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। धतूरे हमने ऐसे काले होने तक ही गर्म किए थे और इनको लगातार हिलाते रहे। अब हम इस तेल को छानेंगे। मैंने कांच की शीशी धो के साफ कर लिया है और इसके ऊपर ये लेबल भी लगा दिया, धतूरा ऑयल। अब इसके ऊपर हमें किए नेट का टुकड़ा लगा देंगे इसके ऊपर, ये थोड़ा सा इसको अंदर करके और एक ये रबड़ बैंड चढ़ा देंगे। अब इसके अंदर हम अगर तेल डालेंगे तो ये हमारी जाली गिरेगी नहीं। चम्मच से सारा तेल इसके अंदर डाल देंगे। उठा के भी डाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखना होगा कि हमारा तेल वेस्ट ना हो, इधर उधर गिरे नहीं। ये हमने अपना सारा तेल इसमें डाल दिया। इसको एक तरफ रख देंगे। ये हमारा धतूरे का तेल तैयार हो गया। ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और इसको किसी सेफ जगह पर रख देंगे जो बच्चों के पहुंच से बाहर हो। जब आपको अगर ये
जीरे के तेल का। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।